हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ काफी बेहतरीन चीज, जो कि ना समोसे के फैन है और जिनको समोसे बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया हुआ है चंडीगढ़ में, सेक्टर 35C और बूथ नंबर है 16 और उस जगह का नाम है एंड्रयूज किचन। देखिए, कभी आपने सोचा है कि वेज में वेज को छोड़ के क्या हमें नॉन वेज में समोसे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि एंड्रयूज हमारे लेके आए हैं चिकन समोसा। तो चिकन समोसा मैं यहाँ ट्राई करके करने वाली हूँ और आप लोगों को भी खिलाऊंगी। और इनके पास एक प्लेट हमने ली है 155 रुपीस की, जिसमें 3 पीस है समोसे के। तो मैंने यहाँ ऑर्डर करा है चिकन समोसा और देखते हैं इनकी, पहले तो प्रेजेंटेशन की बात कर लेंगे और देखेंगे क्वांटिटी। सो गाइस, आ चुके हैं हमारे समोसे। समोसे हम खा रहे हैं, ये है चिकन समोसा और ये आपको मिल रहे हैं सिर्फ 155 रुपीस के 3 पीसेस, जिसमें हमने दी है इन्होंने एक चटनी, काफी डिफरेंट लग रही है। और इनके पास ना पोक भी अवेलेबल है, ये चीज मैंने देखी है, पोक भी अवेलेबल है और वो भी आप खा सकते हैं। और प्लस आपके पास चिकन, अगर चिकन के आप लवर हैं तो ये भी खा सकते हैं। आइए देखते हैं और सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल कुछ ऐसे नया नहीं है, आप देख सकते हैं इधर। सही बात, समोसे की 3 समोसे मिले यार 155 रुपए में हमको। अब और इसके साथ हमें मिली चटनी, जो कि हमेशा थोड़ी, ये हमें समोसा रेड मिलती है ना, मीठी मीठी चटनी जो होती है वो मिली है। पता नहीं ये मीठी है खट्टी है कैसी है पता नहीं, बट डिब्बी बड़ी प्यारी लग रही छोटी सी, है ना। तो आइए समोसा देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन के मामले में तो ठीक ही लग रहा है, बट क्या प्रेजेंटेशन क्या इसमें है मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समोसे बिल्कुल जला दिए इन्होंने। सो गाइस, अगर बाहर की लेयर की बात करें तो पूरी जली हुई है और इन्होंने 25 मिनट लिए है हमसे कि हम 25 मिनट में इसको तैयार करके आपको दे देंगे, तो 25 मिनट में ही मिली है ये हमको। और बाहर का जो है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि रोटी इन्होंने बनाई और उसके अंदर फिलिंग कर दी। तो अब अंदर का चेक कर लेते हैं क्या है। तो ये तो लग रहा है भाई कीमा, चिकन का कीमा है। तो ये अलग करके देख लेते हैं, तीनों ना समोसे ओपन करके देख लेते हैं, एक ये है और एक ये वाला है। तो मेरे ख्याल से सब में सेम ही होगा, क्योंकि वहां पे कुछ वैरायटी तो नहीं लिखी थी, सिर्फ समोसे लिखे थे चिकन के, तो बस सेम ही है। तो अच्छा, टेस्ट कर लेते हैं और इसको चटनी को भी ओपन कर लेते हैं। मीठी ना हो बस ये, क्योंकि मीठा यार खाने का मन नहीं कर रहा। तो इसको तोड़ लेते हैं और पहले ना खुशबू लूंगी इसकी कि स्मेल में कैसा है, खराब तो नहीं, क्योंकि गर्मियां बहुत है ना, हमेशा चेक कर लीजिएगा खाना खाने से पहले। खुशबू तो अच्छी है, फ्रेश लग रही है और थोड़ी जूसी भी लग रही है। तो आइए टेस्ट करते हैं। ऑनेस्टली बताऊं, अगर समोसे की बाहर की लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी होती ना तो मजा आता खाने में, बट क्या इसकी जो बाहर की लेयर है रोटी वाली यार, एक सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, आप देख रहे होंगे कितनी सॉफ्ट है। और इसके अंदर से फिलिंग कर दी है चिकन की, जो कीमा चिकन होता है उसको, कीमे को बिल्कुल पका के प्याज में, और उसमें जो खुद के जो मसाले वो डाला, सिंपल है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल है, कुछ नथिंग। जैसे हम समोसा खाते हैं ना आलू वाला, ये चिकन वाला है, स्टफिंग तैयार करके उसके अंदर फिल कर दी है। बट जो हम समोसा आलू वाला खाते हैं ना, वो काफी क्रिस्पी 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 सा होता है, करारा होता है, बट ये यार बिल्कुल मैसी हो चुका है बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया खाने खाने में सच्ची में, सीरियसली मेरे को ये नहीं लगा। और रही बात चिकन थी, चिकन की स्टफिंग तो अच्छी है, भर रखी है इन्होंने, पर बाहर बहुत सॉफ्ट हो गया है, ऐसा रोटी के साथ मैं चिकन खा रही हूँ और चटनी जो है मीठी है। तो अगर आपने कभी नहीं खाया तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, एंड्रयूज किचन आप जब भी आए एक बार यहाँ ट्राई करें, क्योंकि क्या है ना, खा के ही पता चलता है, क्योंकि आपका रिव्यू और मेरा रिव्यू में बहुत फर्क होगा। बट जो चीज मुझे लगी वो मैंने आपको दी, कुछ चिकन में कोई नया टेस्ट नहीं है, कोई एक नया अगर कॉन्सेप्ट आप लेके आए तो एटलीस्ट में कुछ टेस्ट होना चाहिए, तो टेस्ट नहीं है, टेस्ट मुझे इतना खास नहीं लगा। और चटनी मीठी है, सिर्फ फर्क इतना है चिली फ्लेक्स डाल दिया, दैट्स इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आए, सेक्टर 35C बूथ नंबर 16 मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पर।